नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं अरुण दुबे। गंगा किनारे बने सैम्य हुसैनी हॉस्पिटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, आपको बताते चलें कि गंगा किनारे बने सैम्य हुसैनी हॉस्पिटल और समूह की अन्य बिल्डिंगों पर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा। शनिवार की सुबह जिला प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया गया। इससे पहले शुक्रवार की शाम जिलाधिकारी के यहाँ की गई अपील को बोर्ड ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं पूरी रात अस्पताल संचालकों द्वारा अस्पताल परिसर को खाली करने की कवायद की जाती रही। विदित हो कि सदर SDM प्रभास कुमार की कोर्ट ने बीते 8 अक्टूबर को सैम्य हुसैनी अस्पताल को लेकर आदेश दिया था कि ये अस्पताल सप्ताह के अंदर इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा किराए जाने पर इसमें जो खर्च आएगा उसे भी वसूल किया जाएगा। इस सप्ताह के मिले समय में अस्पताल के संचालक हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 10 दिनों का समय देते हुए जिलाधिकारी के यहां अपील करने का आदेश दिया था। इसके बाद संचालक द्वारा जिलाधिकारी के यहां अपील की गई, जिसे कल खारिज कर दिया गया। मालूम हो कि NGT के गाइडलाइन के अनुसार गंगा के 200 मीटर के क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार उक्त स्थान का कोई कमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता। बावजूद इसके सभी मानक को ताक पर रखकर करोड़ों की लागत से ये भारी भरकम अस्पताल बना दिया गया। Yeah, you get the finger on the...